स्वामी जी, सुना है आप बहुत बड़े विद्वान हैं, चाहे तो आराम से खा कमा सकते हैं, फिर आपके हाथ में ये भिक्षा पात्र किस लिए? आप राजा हैं, अपना राजकाज भूलकर अंग्रेजों के साथ शिकार और तफरी में अपना समय क्यों नष्ट करते हैं? केवल आनंद के लिए ही ना? आपके ऋषि मुनि भी अपना सारा जीवन व्यर्थ करते हैं पूजा पाठ और ध्यान में, केवल अपने आनंद के लिए ना? किंतु एक जानवर भी दूसरे जानवर को बिना प्रयोजन नहीं मारता, फिर आप क्यों मारते हैं उन्हें? मुझे यह अर्थहीन लगता है। अर्थहीन? हमें मूर्ति पूजा अर्थहीन लगती है। ये लोहे के टुकड़े, ये पत्थर, ये लकड़ी, ये मिट्टी के लौंदे को भगवान मानकर इन्हें पूजना हमें समझ में नहीं आता। दिस इज नॉनसेंस। क्या है ये? ये तस्वीर किसकी है? हमारे पिताजी की। क्या तुम इस पर थूक सकते हो? हमारे पिताजी पे? ये पिताजी कहाँ है? ये तो उनकी तस्वीर है, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा, रक्त और मांस का पिंड नहीं। फिर भी तुम्हें इस तस्वीर में अपने पिताजी के दर्शन होते हैं, होते हैं कि नहीं? होते हैं, होते हैं। महाराज मंगल सिंह जी, इसी तरह एक भक्त कोई धातु, लकड़ी, मट्टी या पत्थर के टुकड़े को नहीं पूछता, उसमें उसे अपने भगवान के दर्शन होते हैं। विश्वास अंधा है, अनुभव ही सत्य है। विश्वास अंधा है, अनुभव ही सत्य है। स्वामी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरी आंखें खोल दी आपने स्वामी जी।